इस तरीके से जो उत्तानपाद की पहली पत्नी थी वो कौन थी? सुनी थी। प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं, एक सुनीति होती है और एक सुरुचि होती है। लेकिन बड़ी पत्नी कौन है? सुनीति। सबकी बड़ी पत्नी सुनीति ही होती है, सुरुचि छोटी वाली पत्नी होती है। जो सुनीति थी वो नीति निपुण थी। सुनीति चाट फुलके और गोलगप्पे वाली नहीं थी, वो नीति निपुण थी। हमें धर्म का पालन कैसे करना चाहिए वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन जो सुरुचि थी वो उसकी जो रुचि थी ना, वो उसके अंदर जो रुचि प्रधान था कि जो उसकी इच्छा करती थी वही करती थी, जो उसकी इच्छा होती थी वो करती थी, वो नीति को ध्यान में नहीं रखती थी। लेकिन सुंदर ज्यादा, ऊपर से सुंदर कौन था ज्यादा? सुरुचि, क्योंकि सुरुचि ही सबको पसंद है। जैसा हमारा मन करे हम वैसा ही तो करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरुचि पसंद है, सुनीति किसी को नहीं पसंद है। वैसे जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद भी सुनीति को नहीं पसंद करते थे, सुरुचि को पसंद करते थे। लेकिन सुरुचि के गर्भ से कौन पैदा हुआ? उत्तम। लेकिन सुनीति के गर्भ से कौन पैदा हुआ? ध्रुव महाराज। इसीलिए कहा जाता है स्त्रियों को सदा नीति निपुण होना चाहिए। यदि वो नीति निपुण होंगी तो उनको एक सत पुत्र की प्राप्ति होगी, सत पुत्र की, भगवत भक्त की प्राप्ति होगी। इसलिए उनकी जो दोनों पत्नियां थी, दोनों की आपस में नहीं बैठती थी, आपस में नहीं बैठती, लेकिन दोनों से एक एक पुत्र हुए, एक एक पुत्र दोनों से हुए। और उस सुनीति से ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि से उत्तम पैदा हुए, और दोनों आपस में रहा करते थे, एक ही राज में दोनों रहते थे, और उत्तानपाद ही उनके पुत्र थे। एक दिन ध्रुव के मन में ऐसा भाव ऐसा प्रकट हुआ कि आज चलते हैं पिताजी से मिल के आते हैं। पिताजी से वो केवल ध्रुव मिलने के लिए गया था, और जैसे ही ध्रुव गया मिलने के लिए अपने पिता उत्तानपाद से, वैसे ही उत्तानपाद उसको गले में उठा कर, बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, वो चाहे सुनीति के हो, चाहे सुरुचि के हो, चाहे जिसके हो, बच्चे कुत्ते बिल्लियों के भी बहुत प्यारे होते हैं, वो तो इंसान के बच्चे थे, छोटे बच्चे सबके बहुत प्यारे होते हैं। तो उत्तानपाद पुत्र को देखकर उठा के अपने गोद में रख लिया, गोद में लेकर और अपने गोद में बैठा लिया। ये बात सुरुचि देख रही थी, क्योंकि सुरुचि कभी नहीं चाहती कि हमसे भी बढ़कर कोई आए, हमारा वर्चस्व सब जगह रहे, ये सुरुचि का काम है। लेकिन सुनीति इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती, वो तो ये चाहती है कि कैसे सुख शांति से जीवन व्यतीत हो। सुनीति ये चाहती है कि चार दिन का जीवन है, कैसे भजन करके या किसी भी तरीके से अच्छे से जीवन व्यतीत हो जाए। लेकिन सुरुचि को ये नहीं पता है, अच्छा अच्छा खाना चाहिए और चाहे बाद में चाहे कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं। रुचि प्रधान थी। सुरुचि ध्रुव का हाथ पकड़ के खींच करके गोद से उतार के नीचे कर, क्योंकि लड़ाइयां तो सबके बीच में होती हैं, जहां दो औरतें वहां लड़ाई करेंगी करेंगे। लेकिन आजकल औरतें लड़ाई करती हैं तो क्या करती हैं? अरे तू मर जा, तू ऐसा हो जा, वैसा हो जा, गाली देती हैं। लेकिन लड़ाइयां पहले भी होती थी, लेकिन सुरुचि चाहे जैसी भी थी, लेकिन क्या बोली? बोली, अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जाकर भगवान विष्णु का भजन करो, और भजन करने के बाद तुम मेरे गर्भ में आओ, और गर्भ से जब मेरे तुम जन्म लोगे तो तुम इस गोद में और इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी। ध्रुव के दिमाग में ये बात आ गई,
कि भाई भगवान विष्णु कौन है जो हमें इस गद्दी को और पिता की गोंद को दिला सकता है, भगवान प्रेम पिता के प्रेम को दिला सकता है। ध्रुव बेचारा उठा रोता हुआ अपने माता के पास गया, और जब माता के पास गया माता से जाकर बोला, माँ ये विष्णु कौन है? क्योंकि बच्चे का दिमाग जैसा उसने सोचा सुना वैसे ही समझ गया कि होगा कोई विष्णु, अब चल के विष्णु से ही मिल लेते हैं। तो उनकी माँ ने हाथ पकड़ के ले जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और बोला, बेटा यही है विष्णु। क्योंकि पहली गुरु कौन होती है? माँ बाप ही पहले बच्चों के गुरु होते हैं, पहले गुरु उनके माँ बाप होते हैं। हाथ पकड़ के ध्रुव का कहां ले गई? भगवान विष्णु के सामने, और बोली, बेटा यही विष्णु है। बोले, माँ ये रहता कहां है? उनकी माँ ने कहा ये क्षीर सागर में रहते हैं। अब वो भी उसके दिमाग में बात लग गई कि अब जो विष्णु है वो तो क्षीर सागर में मिलेगा। अब वो वहां से चल दिए। कब निकले थे? 12 बजे रात को। ये बोले थे क्या कि हम जा रहे हैं, मम्मी उठो दरवाजा खोलो और हम जा रहे हैं वन में। ना, जाने वाले कभी बोलते नहीं कि मैं जा रहा हूं, जाने वाले बस झोरा झंडी उठाते हैं भागो। 12 बजे रात को बताए नहीं, 12 बजे रात को उठे और धीरे से दरवाजा खोले और बस वहां से निकले। और जब निकले तो वो जंगल 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 जंगल, क्योंकि करते करते वो बहुत घोर जंगल की तरफ चले गए। क्या छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता कि क्षीर सागर किधर है, हमें किधर जाना है। निकल तो गया घर से लेकिन जाना का उसको क्या पता। बेचारा जंगल जंगल भटकने लगा, और जब वो जंगल जंगल भटकने लगा उसके मन में कौन विराजमान था? भगवान विराजमान था। और जब वो जंगल जंगल भटकने लगा तो भगवान नारद जी को बुलाए और बोले, भाई जाके देखो वो बच्चा भटक रहा है, उसको रास्ता दिखाओ। नारद जी आए और बोले, बोले कहां जा रहे हो तुम? बोले, हमें भगवान विष्णु से मिलना है। बोले, विष्णु यहां थोड़ी है, विष्णु यहां नहीं मिलेगा, अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम घर जाओ। जब उन्होंने कहा तुम घर जाओ, बोले ऐसा है हमारा रास्ता छोड़ दिया, अगर रास्ता बताना है तो बताओ, नहीं हमारे सामने से हटो। बहुत प्रयास किए नारद जी लेकिन ध्रुव माने नहीं, और जब बहुत प्रयास करने के बाद जब वो नहीं माने, नारद जी बोले, भैया जब तुम नहीं मानोगे तो लो ये झोली माला और ये मंत्र, ये यहीं बैठ के तुम भजन करो, यहीं तुमसे भगवान मिले। ध्रुव महाराज लेके जप करने लगे और धीरे धीरे भोजन छोड़ दिए, क्योंकि एक अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। भोजन छोड़ दिए, फिर पानी पीना छोड़ दिए, कुछ दिन के बाद हवा भी छोड़ दिए, और जब उन्होंने अपनी सांस को रोका तो भगवान की गद्दी बैकुंठ में हिलने लगी, कांपने लगी बैकुंठ की गद्दी, क्योंकि भक्त मजबूर कर देता है भगवान। अगर कोई अगर भगवान को हिला सकता है तो वो भय भगवान का भक्त। अगर बाप को कोई उसकी अकड़ अगर ठिकाने लगाने वाला है तो केवल उसका बेटा, उसका बेटा ही उनकी अकड़ को ठीक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, पड़ोसी रिश्तेदार कोई नहीं कर सकता, उसका बेटा ठीक उनको कर देगा। जो बेटा बड़ा होगा ना तो ठीक उनकी अकड़ को एकदम सही कर देगा, फिर वो अकड़ नहीं दिखाएगा। इसलिए जो भगवान का बेटा है वही भगवान की गद्दी को हिला सकता है, और ध्रुव ने गद्दी को हिला दिया, भगवान भागे भागे चले आए। आए ध्रुव के हृदय में भगवान प्रकट हुए, और ध्रुव ने जैसे ही आंख खोला और आंख खोलते ही देखा भगवान सामने प्रकट हैं, उनको देखकर आंखों में आंसू भर गए ध्रुव के। उसके मन में इच्छा जगी कि भगवान की कुछ स्तुति किए, लेकिन वो बच्चा तो पढ़ा ही नहीं था, कुछ जानता ही नहीं था। भगवान ने उसके मन के भाव को जान लिया और भगवान ने अपने वेदमय शंख को उसके कपोल से लगाया और
सारा वेद शास्त्र पुराण उसके अंदर, अहम बुद्धि योगम ददामी, भगवान ने उसको बुद्धि दी और ध्रुव ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। और जब भगवान आशीर्वाद दे के चले गए, जब भगवान आशीर्वाद दे रहे थे, ध्रुव ने एक चीज और मांगा था, बोला प्रभु 36 साल तक हम राज्य तो करेंगे लेकिन एक कृपा आप हमें और कर दीजिए, आप भेज तो रहे हैं, अब तो हमारी इच्छा नहीं है क्योंकि अब हमें हीरा मिल गया है तो वो हमारी इच्छा नहीं है, वो हमारी इच्छा नहीं है कि मैं अब संसार में जाऊं, कांच को पकड़ूं, शीशे को लेने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अब आप दे रहे हैं तो एक कृपा आप हमारे ऊपर और कर दीजिए कि ये जो आप दे रहे हैं 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए, इसमें हमारा मन ना फंस जाए, हमारे मन को सदैव आप अपने चरणों में ही रखिए। भगवान तथास्तु करके चले गए और जाने के बाद ध्रुव बहुत पश्चाताप किया, बताओ इतनी तपस्या किए और इतनी तपस्या के बाद हम ये राज्य हमें मिल गए, भगवान हमारे सामने था। ध्रुव अपने मन को संभाल करके गए, 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और राज्य करने के बाद जब 36,000 वर्ष पूरा हुआ तो उसी समय मृत्यु आके सामने खड़ा हुआ। ध्रुव महाराज ने बोला भैया तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं मृत्यु। बोले तुम्हारा क्या काम है? बोले भाई अगर आप यहां से जाओगे इस मृत्यु और स्वर्ग के बीच में मैं हूं, आप हमको स्पर्श करके ही जाना पड़ेगा। ध्रुव महाराज बोले कि तुम पागल हो, इस शरीर को तुम छू सकते हो? ये शरीर तो भगवान के शरीर से स्पर्श हुआ, ये दिव्य शरीर को तुम नहीं छू सकते। बोले प्रभु हमारी नौकरी मत ले लो, हमें हमारे ऊपर दया करो। बोले ठीक है, अगर तुम्हारे नौकरी वाली बात है तो तुम्हारी भी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। मृत्यु और मूर्धनी पदम दत्वा, मृत्यु के सर पर पैर रखकर आरुरोहात भूतम गृहम, भगवान ने कहा कि भैया तुम थोड़ा सा झुक जाओ। और जैसे ही मृत्यु झुका, ध्रुव महाराज उसके सर पर पैर रखे और विमान पर सवार हुए और भगवत धाम चले। भगवत धाम जब ध्रुव जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने पूछा, भाई रुको। बोले भाई तुम हमको तो ले जा रहे हो लेकिन हमारी माँ कहाँ है? नीचे उतारो, ले चलो नीचे। बोले प्रभु आप जैसा भक्त बेटा जिसके घर में हो उसके माँ की दुर्गति हो सकती है क्या? अरे आपकी माँ तो आगे आगे जा रही है, आगे विमान पे आपकी माँ बैठी है। तब ध्रुव भगवत धाम गए थे, सशरीर गए थे, इसी शरीर से भगवत धाम। इसलिए ये जो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे, ध्रुव ने ये कर दिखाया कि भजन की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी अवस्था में रह के किसी भी उम्र में रह के भजन किया जा सकता। उसके बाद प्रियव्रत थे जो इनके पुत्र भरत महाराज हुए तो इनकी भी परंपरा चली। उसके बाद 28 नरकों का वर्णन, क्योंकि लाइट आज जवाब दे रही है तो कुछ तो नंदोत्सव को करना ही पड़ेगा। और उसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए। उसके बाद अजामिल की कथा हुई और अजामिल की कथा होने के बाद गजराज की भी कथा हुई जिसका उद्धार भगवान ने किया। और इन राजाओं की, ढेर सारे राजाओं की कथाएं आई बीच में, बहुत सारे राजाओं की कथाएं आई। उन कथाओं को सुन के महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, प्रभु आप इन राजाओं की कथा अब न सुनाइए, अब इन मार धाड़ लूट लपाट से मेरा देखिए पेट भर गया है, अब हमें कुछ भगवान की कथाओं को सुनाइए, भगवान की लीलाओं को सुनाइए कि भगवान किस वंश में आए, किस परंपरा में आए। 4 दिन बीत गया था। 4 दिन बीतने के बाद महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित कुछ खा पी लो भाई, 4 दिन बीत गया है। बोले प्रभु आप अमृत पिला रहे हो और खाने की बात कर रहे हो,
आप कथा को कंटिन्यू रखो, खाने पीने की चिंता मत करो, आप अमृत पिला रहे हो और पानी और दाल रोटी की बात कर रहे हो। बोले आप कथा को करिए। तो छोटे से दो अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान राम का चरित्र सुनाया कि सूर्यवंश में भगवान राम है। उसके बाद दो श्लोक में केवल महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण कथा सुना के बंद कर। तो सुखदेव गोस्वामी तो वहां पे सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, बोले प्रभु मैं दो श्लोक की बात नहीं किया था, Yeah.